आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल दम बिरयानी। नमस्कार, स्वागत है आपका कुक विद उषा चैनल में। फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पर जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल के अंदर हम डालेंगे कटी हुई फूलगोभी, थोड़ी सी गाजर और लंबे टुकड़ों में कटी हुई बीन्स। सब्जियां आप थोड़ी बड़ी ही रखिए, क्योंकि पकने के बाद ये और भी छोटी हो जाती है, फिर देखने में अच्छी नहीं लगती। आधा चम्मच इसमें डालेंगे साबुत जीरे का, एक टुकड़ा दालचीनी का, दो कटी हुई हरी मिर्च, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिए। साथ में एक पिंच हम डालेंगे इलायची के पाउडर का और खूब सारी पुदीना की पत्तियाँ, ये डालना ज़रूरी है। एक चौथाई चम्मच हम हल्दी पाउडर का डाल लेते हैं। एक बड़ा चम्मच डालेंगे रेड चिली पाउडर, एक बड़ा चम्मच नमक का, एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं और एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर। अब इसमें आप डाल लीजिए दो बड़े चम्मच दही के। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। देखिए, इस तरह से सारी सब्जियां हमारी मिक्स हो चुकी है, तो इन्हें साइड में रख देते हैं। अब हम चावल उबालेंगे, उसके लिए मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे तीन इलायची, छोटी इलायची डाली है, तीन ही इसमें लौंग डाल रही हूँ, एक टुकड़ा दालचीनी का और दो कटी हुई हरी मिर्च, एक बड़ा चम्मच देसी घी का। साथ में डाल देते हैं खूब सारा नमक। खूब सारा इसलिए क्योंकि हमने एक्स्ट्रा पानी लिया है चावल के लिए, बाद में हम ये निकाल देंगे। एक तेज़पत्ता भी डाल दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आधा घंटा पहले बासमती चावल भिगो कर रखे थे, पानी इनका निकाल लिया है और अब इसे उबलते हुए पानी में हम डाल देते हैं। एकदम मस्त खुशबू आ रही है पानी में से मसालों की। तो चावल हमने डाल दिए हैं, अब हल्के हाथों से इन्हें आप हिला लीजिए। बहुत ज़्यादा चावल को हमने हिलाना नहीं है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। दो तीन इसमें बूंद डाल देंगे हम नींबू के रस की, जिससे चावल एकदम खिले खिले बनेंगे। अब मीडियम फ्लेम पर इन्हें आप पका लीजिए। चावल जो है वो बहुत ज़्यादा पकने नहीं चाहिए, तकरीबन 80% इन्हें हम पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जब दो टुकड़े आपके चावल के हो जाएं तो गैस को बंद कर दीजिए, क्योंकि चावल दोबारा हमने फिर से पकाने हैं सब्जियों के बीच में। अब पानी को आप ड्रेन कर लीजिए और इस पानी को अभी आप फेंकिएगा नहीं, क्योंकि बाद में हमें ये पानी थोड़ा चाहिए। चावल को हम साइड में रख देंगे। अब हम बिरयानी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो दो चम्मच मैंने यहाँ तेल के डाल लिए हैं, आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हो। सबसे पहले हम डाल रहे हैं लंबे लंबे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज। चार प्याज मैंने यहाँ काटे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि प्याज हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। इसे हमने तब तक भूनना है जब तक ये एकदम डार्क ब्राउन कलर के ना हो जाए। प्याज जब डार्क ब्राउन हो जाए तो इसे आप इस तरह से छननी के बीच में निकाल लीजिए, जिससे कि जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो निकल जाएगा। थोड़ा सा प्याज हम यहीं रहने देंगे और जो प्याज हमने निकाला है इसे हम बाद में यूज करेंगे। अब इसमें दो तीन पीस आप छोटी इलायची की डाल लीजिए, आधा चम्मच साबुत जीरा और एक छोटा टुकड़ा हम डालेंगे दालचीनी का, दो तीन लौंग। साथ में डाल देते हैं एक तेज पत्ता। थोड़ा सा इसको हम पका लेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने सब्जियां दही के साथ और मसालों के साथ मैरिनेट करी थी। हल्का सा इन्हें हम पका लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ एक दो मिनट के लिए हमें इसे पकाना है। और अब इसमें हम डालेंगे जो चावल का पानी बचा था। अच्छे से इसको आप मिक्स कर लीजिए और ऊपर से डालेंगे बारीक कुटा हुआ अदरक और लहसुन।
आधी कटोरी इसमें जाएगी मटर की। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और ऊपर से डालेंगे उबले हुए चावल। देखिए एकदम खिले खिले चावल हमारे बने हैं। अब यहाँ हम इन्हें मिक्स नहीं करेंगे फ्रेंड्स, बस चावल की हम लेयर लगा देंगे। सारे चावल मैंने डाल लिए हैं और ऊपर से हम डाल रहे हैं 2-3 कलछी बचे हुए चावल के पानी की, 1 बड़ा चम्मच देसी घी का। अगर आप चाहें तो तेल भी यूज़ कर सकते हो घी की जगह। ऊपर से डालेंगे ब्राउन अनियन, जो प्याज हमने भुना था, खूब सारे पुदीने की पत्तियाँ, थोड़ा सा गरम मसाला, और गैस जो है वो एकदम धीमी है, धीमी आंच पर ही हम ये सारी प्रोसेस कर रहे हैं। अब बारी आती है बिरयानी को दम देने की, यानी कि दम बिरयानी हम बनाएंगे, मतलब आराम आराम से बिरयानी हमारी पकेगी। 1-2 मिनट के लिए पहले हम मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे, जिससे कि इसमें भाप बन जाए, और उसके बाद आप इसे एकदम मीडियम फ्लेम पर नहीं, बिल्कुल जितनी भी लो फ्लेम होगी उसी पर आप बिरयानी को बनाइए। अब ढक्कन को आप बार बार मत खोलिए, और ढक्कन जो है वो एकदम टाइट लगना चाहिए। अगर आपके पास एयर टाइट ढक्कन नहीं है तो आप क्या कीजिए कि पतीले के ऊपर प्लेट रखने के बाद उसको चारों तरफ से आटे से सील कर दीजिए। गीला आटा लीजिए और चारों तरफ से उसको आप लगा लीजिए। तो 25 से 30 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस को बंद कर देंगे और देख लेते हैं बिरयानी को। वाह, एकदम मस्त खुशबू आ रही है इसमें से। और बिरयानी को जब भी आप सर्व करें तो देखिए इस तरह से एक कोने से लगकर आप इसे इस तरह से मिक्स कर लीजिए। देखिए एकदम खड़ी खड़ी बिरयानी बनी है हमारी, नीचे भी नहीं लगी है, देख रहे हो आप, नीचे से बर्तन जो है वो एकदम साफ है, मस्त बिरयानी बनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।